नमस्ते, आप दिल ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये असम टीम की चुनाव यात्रा है, हम टीम मोती हैं। इस वक्त हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी की जिस सीट पर हम खड़े हैं, जो जिस विधानसभा क्षेत्र पे हम खड़े हैं, वो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है असम की। ये सीट है जालुकबाड़ी। जालुकबाड़ी हिमंता बिस्वा सरमा की सीट है। कभी इनको शैडो सीएम कहा जाता था। 2001 से लगातार इस सीट पर 20 साल से विधायक हैं। किसी ने कभी उनको चुनौती नहीं दी, ऐसा लोग बताते हैं। और वो कांग्रेस छोड़ के जब कांग्रेस में थे तब भी लगातार जीतते रहे इस सीट को। जब बीजेपी में आए 2016 में तो भी ये सीट जीती। और बाहर राजनीति की नब्ज़ पहचानने वाले लोग कहते हैं कि हिमंता बिस्वा सरमा का इस सीट पे किसी से कोई मुकाबला कभी रहा ही नहीं। लोगों ने उतना विश्वास हमेशा उन पर किया है। हम इस सीट पे हैं। तमाम तरह के नारे वादे भाषणों और टीवी डिबेटों से इतर हम यार लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं, हमें कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत अली। आप ये क्या काम क्या करते हैं? ये हमारी चाट हाउस का दुकान। ये किस चीज़ की दुकान है? चाट हाउस का। चाट हाउस, पुलाव वुलाव का बने के, रोटी, पुलाव रोटी वगैरह। और आपका नाम क्या है? रोमेना। ये जो दुकान है राशिद, ये दुकान दिखाएं, ये दुकान आपकी है? मोर। ये दुकान कब से कर रही हैं आप? सारी साल हॉल। क्या चार साल? चार साल हुआ। और आपकी ये दुकान कब से है? मेरा तो मैंने ये टोटल मैंने 18 साल हो रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो लोग दिल्ली में बैठते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको जब सुनाई देता है कि ये हिमंता बिस्वा सरमा की सीट है, उनको यहाँ पर असम में बहुत बड़ा नेता भी माना जाता है, 15 साल हो गए लगातार विधायक हैं, 2001 से 2016 20 साल हो गए, है ना, 2001 से, और चार बार के विधायक हैं लगातार, कभी हारे नहीं। आप मतलब एक एमएलए के तौर पे, क्योंकि आपने एक सरकार नहीं चुनी थी, आपने एक एमएलए चुना था, वोट डाला था आपने पिछली बार, तो एक एमएलए जो आपने चुना, उसके काम से कितना खुश हैं? उसका काम से माने कि हम लोग को माने कि जो फुटफार में दुकान करता है, हम लोग को माने कि दुकान नहीं लगाने देते हो, फिर एमएलए हम लोग बनाएगा, हम लोग वोट डाल के एमएलए बनाएगा, उन लोग को माने आते हुए सब माने कि रास्ता क्लियर उन लोग को चाहिए, हम लोग को माने रोजी रोजगार, हम लोग को माने पेट में लात मार के उन लोग को अपना माने कि रास्ता क्लियर चाहिए, जो ऐसा बोलो जो हमारा आगे झाप गिरा दो तो अपना दुकानदारी करते रहो, यही हिसाब से बोलना चाहिए। जो अभी माने कि उन लोग को माने कि हम लोग वोट डाल के उन लोग को चढ़ा रहा है, तो उन लोग चढ़ने के बाद उन लोग को क्या राजा हो जाता है, जो अपना एक मेन रास्ता उसको चाहिए, उसको क्या बनाया हुआ उसको मैंने पकड़ कर रास्ता है क्या, वो तो सरकार का रास्ता है। ठीक है, चार बाप भाई जितना है जो सबको मिलाकर बने कि उसको वोट दिया है, उसके बाद वो जीता है। आप सब लोगों ने वोट दिया, पूरे परिवार? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कि उन्होंने जीत लिया, जीतने के बाद अभी सब जितना एमएलए है तो उन लोग को मैने कि सबको मैने कि जितना दुखिया आदमी है, गरीब आदमी है, सबको मैंने बांट के मैने के हिसाब से चलना है, तो उन लोग को मैने कि आ जाएगा सीएम आएगा, कल गवर्नर आएगा, सबको माने के दुकान सब बंद करना है, तो ये सब माने के उत्पाद। तो ये दुकानें जो आप लोगों ने लगाई हैं, ये एक माने के गुंगा है, तो इसका बाल बच्चा यही है, तो इसको लेके माने के ये आपकी रिश्ते में क्या है? ये मेरा मौसी है। ये आपकी रिश्ते में मौसी हैं और ये इनके बच्चे हैं? बच्चे है, मेरा भाई है, मौसी का लड़का मेरा भाई है, तो इनको माने कि सरकार की तरफ से इनको माने कि थोड़ा बहुत माने कि सुविधा चाहिए सरकार के हिसाब से, सो कोई माने 1 रुपया का सुविधा नहीं है इनके पास। अच्छा, जो हिमंता बिस्वा सरमा तो अब पूरे असम में कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, और वो कहते हैं कि हमने सारी सुविधाएं सब कुछ हमने पूरे असम में दिया, आप ये बताइए कि सरकार से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? कुछ सुविधा मिलती है? अभी हमारा सुविधा माने कि आज तक माने कि हमको राशन कार्ड आपको दिया ना है, कुछ नहीं दिया, सो अभी अच्छा, और आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, बच्चा तो बेंगे हस्बैंड नहीं, दुकान भी चली था, भाड़ा घर था। ये कह रही है कि इनके पति नहीं है, इनका ये बच्चा है और ये दुकान लगाती है यहाँ पे सड़क के किनारे, आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये जिसमें दूध रखते हैं वो एक कैटर है और यहाँ पे ये पान गुटके वगैरह की दुकान है। आप कह रही हैं कि आपको कुछ नहीं मिला? माथा में रेला कपल चपल भी के दे, वो अपना मैंने सिर बनेगी धरती में माने की वाल में सिर मार लेता है, सो इसको माने की मेडिकल चेकअप माने इसको करना चाहिए, ये आदमी मेडिकल को माने की सुविधा चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से, सो इसको कोई सुविधा नहीं है। तो कभी आप लोगों ने कोशिश की कि इनको लेके किसी अस्पताल जाने के बाद भी घूम के आया?
तो इलाज होता है इनका? सिटेक्शन किया था तो उनको रिपोर्ट मैंने की लाया है। अच्छा, एक अरुणोदय योजना है, अरुणोदय योजना के तहत कहते हैं कि जिन महिलाओं को जो विधवा हैं या जो इस तरह से जिनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको पैसा सरकार देती है 800 दिन, आपको अरुणोदय योजना मिलती है? कोई दिया ना है, वो भी नहीं मिलती, वो हम लोग को नहीं मिला है। जो आज मान लीजिए जो मैंने कि दुकानदारी मैंने कि करने को लिए मैंने उन लोग को मैंने थोड़ा पैसा दे रहा है, सो अपना बिजनेस करो, हाँ लोन दे रहा है वो सब, लेकिन वगैरह हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो मैने के उन लोग मैने के दोनों साइड में वाला मिला है, हमको आज तक नहीं मिला है। सो वो आदमी को हमको बताता नहीं है, जो कौन आदमी से मैने के क्या धारण मैंने के पैसा मिल रहा है वो सब हम पूछ रहा है तो हमको नहीं बताता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एक मतलब यहाँ पे अब आपका वोट होने जा रहा है, इस बार जब आप 6 तारीख को वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ रहेगी, मतलब क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट किसी को भी डालें वो मत बताइए, वो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन और वो पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन वोट डालते हुए आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर आप वोट डालेंगे? जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं, मोदी, शाह, राहुल गांधी, ये सभी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आप लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? अभी देखिए, जो मैने के चार बाप भाई जो जिसको मैने के वोट डाल रहा है, सो मैने के जो भी हो जीतना चाहिए, वोट जीतना चाहिए। अब मोदी जीतो व कांग्रेस जीतो व इसे जीतो, हम लोग को उसे ले लेना तो नहीं है, हम लोग को जो वोट देना हम लोग को देगा ही। सो अब मैने के जो भी हो पार्टी, एक पार्टी तो मैंने चलना ही है, जीतना ही है, ठीक है। सो मैंने हम लोग जीतने के लिए हम लोग मैने के वोट हम लोग डालेगा। सो हम लोग का है 9 वोट, हम लोग का है 9 वोट हम लोग का है। सो इन लोग को मैने के एक वोट है, तो घर का लेके 4 है, वो लेके 5 इन लोग घर का है। सो अभी हम लोग को मन 9 है। क्या कह रही है? हमारा घर हाजो, इनका घर हाजो में है, वही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग ऐसे ऐसे पार्टी को या व्यक्ति को वोट डालेंगे जो कि जीते? हाँ, आपका ये कहना। एक जैसे आप लोगों ने, आप ये 4 साल से ये दुकान चला रही हैं, आप कितने साल से दुकान? 17 साल हो गया हमारा। 17 साल से आप वो दुकान चला रहे हैं, मतलब कमोबेश उतना ही समय हो गया जितने से हिमंता बिस्व शर्मा MLA हैं, है ना? तो आपको लगता है कि जो जीतता भी है पार्टी या MLA, क्या वो आपके आपसे जो वादे करता है, पिछले इलेक्शन में भी कुछ वादे हुए होंगे, उनमें से क्या पूरा हुआ? वो वादा करके माने कि हम लोग दूसरा को नहीं बोलता, जो हम लोग से माने जो वादा करता है वो वादा का। अभी हम लोग को घर का परिवार, हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई सब माने शादी ब्याह करके अलग अलग हुआ है, लेकिन 5ों को 10 भाई हम लोग को, सो माने कि 9 हम लोग को माने वोट है। 9 वोट होने से माने कि उसमें का बोलता है कि हम लोग को वोट दो, हम लोग जीतेगा तो हम लोग कुछ देगा, तो हम लोग राशन कार्ड बना देगा। आज से हम लोग को कोई राशन कार्ड नहीं है, आज का दिन में सोचिए किसका राशन कार्ड नहीं है, आपको घर में भी आपको राशन कार्ड है, और हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को राशन कार्ड नहीं है। आपका राशन कार्ड आज तक नहीं मिला हम लोग को? अच्छा, जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोरोना का समय चल रहा था, तब यहाँ पे जो BJP सरकार है वो अपने भाषणों में लोगों से ये रैलियों में कहते हैं कि जब लॉकडाउन था तब सभी परिवारों को चावल दिया गया, आपको चावल मिला? चावल हम लोग को नहीं मिला है, चावल हमको नहीं मिला है। सो मैने कि जिसको मिला है वो लोग को मैंने 3-4 टोपला करके मिला है, 5 किलो चावल, दाल, तेल, वो लोग को मैंने 4-5 टोपला करके मिला है। तो सो हम लोग को एक फोटा हम लोग को कोई हम लोग को नहीं मिला है, एक दाना भी नहीं मिला है। अच्छा, जब लॉकडाउन था आपका कहना है कि आपको चावल बिल्कुल नहीं मिला? नहीं मिला। तो उस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पूरा लगभग पूरा साल गुजरा ऐसे ही, अगर 6-7-8 महीने, तो उस समय फिर आपने कैसे गुजारा, कैसे किया? दुकान तो तब लगती नहीं थी, फिर कैसे गुजारा करते? उधार लेके चल रहा है, उधार लेके चला, फिर साइड वाला मैंने पड़ोसी बने के उन लोग मैने की थोड़ा बहुत हेल्प करता रहा। 3 बार खा वाला, 2 बार खाओ 3 बार खाने वाला चावल खाता 3 बार, उसमें मैंने 2 बार चावल खाता है, वही हिसाब से मैने के 7 महीने हम लोग वैसे मैने की गुजारा कर लिया है। यानी कि 3 बार जो खाना खाते थे वो 2 बार खाते, उधार ले कर लिया, उधार लेके आज तक मैने के 45,000 रुपया उधार लेके खाया हुआ है। तो वो 45,000 का मैंने अभी उधार हम लोग मैने कर्जा मार रहा है। कोरोना के समय में लिया हुआ उधार आप अभी तक चुका रहे हैं? हाँ, चुका रहा है अभी तक, अभी तक मैंने कि हम उधार अभी तक हम चुका रहे हैं। मैंने वो बोल रहा है जो मैंने घर का भाड़ा 7 महीना घर का भाड़ा मैंने फंस गया है, उन लोग मालिक लोग भी नहीं मानता है, मालिक लोग को मैंने पैसा चाहिए, तो लॉकडाउन में भी अभी निकाल देता है मैंने कि घर मालिक लोग भी। लॉकडाउन में पूरे समय का किराया आपने दिया? हाँ, हम दे दिया पूरा किराया, मैंने कि आपसे उधार लिया लेके मैंने उनको उधार लेके दिया, लेकिन दिया दिया
रूमर भाड़ा ना दिले रूमर क्या थक पड़ी वो। ये कह रही हैं कि अगर किराया ना देती तो इन्हें घर से निकाल दिया जाता। तो जैसे भी हो माने कि उनको माने कि मालिक को किराया हम लोग माने कि चुकता कर दिया है। चुकता कर दिया। हाँ, सो माने कि अभी हम लोग माने कि जैसे कि जब आदमी से उधार लिया लेके हम लोग को उसे माने कि चला पूरा 7 महीना हम लोग माने उसे 3 टाइम खाने की जगह हम लोग 2 टाइम खा रहे हैं। वही हिसाब से माने कि करते अभी लॉकडाउन खुला तो माने कि अभी कमा के माने कि उनको धार मार रहा है। अभी भी 15,000 रुपया धार में हम लोग गिरा हुआ है। अभी वो धार कब तक चुका पाएंगे? अब ऐसा ही माने कि अब बच्चा 2 पढ़ा रहा है, 1 को माने कि 9 पढ़ रहा है, 1 10 पढ़ रहा है, 9 पढ़ रहा है, 10 पढ़ रहा है। सो वही बच्चा को खर्चा कितना है आज का दिन में? किताब चाहिए, ड्रेस चाहिए। तो जो भी हो सरकार से माने कि बच्चा को माने कि 1 जोड़ा ड्रेस मिला है। सो उनको माने खर्चा है, जाने आने का खर्चा है। तो यही दुकान से लेकर 4,000 रुपया माने घर का किराया, बच्चा का खर्चा यही दुकान से लेकर हम लोग माने दे रहा है। उसके ऊपर भी हम लोग माने कि सुविधा लेकर अपना इसे लेकर दुकान नहीं खोल पा रहे हम लोग। जैसे कि जिसको जैसे मर्जी है उसे मर्जी, वो अपना मर्जी से माने के बंद करो, हटो, भागो, वही हिसाब से माने के सबको माने के करता है। जब मन करता है तो आपको हटा दिया जाता है? हाँ, हमको बोल के नहीं, जितना हम लोग को दुकानदारी है सबको, सभी लोग। हाँ, अच्छा, ये आमतौर पे कहा जाता है जितने भी चुनाव के वादे होते हैं, आपने कोई चुनाव में, इस बार के चुनाव में जो मैनिफेस्टो होता है, एक मैनिफेस्टो नाम की चीज़ होती है चुनाव में, उसे घोषणा पत्र कहते हैं, कि मतलब कोई भी पार्टी होती है तो वो लिख के देती है कि हम ये करेंगे। हाँ, वो मैनिफेस्टो आपने कांग्रेस का या बीजेपी का पढ़ा है, मतलब माने सुना है उसके बारे में? दोनों तरफ से बोलता है, जो कांग्रेस का भी बोलता है जब वो हमको दे दो सो हम माने जीतने के बाद तुमको माने कि हम राशन कार्ड दे देगा, तुमको माने कि मेडिकल माने कि तुमको सुविधा के लिए हम माने सर्टिफिकेट बना देगा। तो कांग्रेस भी बोलता है, बीजेपी भी बोलता है, फिर जाके लास्ट में तो माने 4 साल तो माने कि ऐसे माने कि आपको बीजेपी चला गया। तो हम लोग कुछ मिला नहीं है। हाँ, इसलिए माने कि आप ना किसी को तेल मारेगा, वोट देना है जितना 4 बाप भाई जो दे रहा है जिसको, हाँ, जो माने यही ना यही जीतेगा तो उसी को मन ढलेगा। जैसे कि जो माने कि थोड़ा आवाज़ निकलता है ना तो नहीं माने कि बीजेपी जा रहा है, बीजेपी में ढाल देगा, नहीं कांग्रेस जा रहा है तो कांग्रेस में ढाल देगा। वो हमारा अपना ज्ञान से, तो ये नहीं है जो हम माने अपना कांग्रेस में देगा बीजेपी हम छोड़ देगा, वो सवाल नहीं है। जिसको भी डालें जीतने वाली पार्टी को डालें, जीतने वाला पार्टी को डालेगा। लेकिन आपको आपको उम्मीद कितनी है कि वो आपकी मदद करेंगे? उम्मीद माने क्या है, अभी कांग्रेस जीता, कांग्रेस चला गया, बीजेपी आया, बीजेपी माने कि वो कर रहा है, बोल रहा है कि हमको सामान देगा, राशन कार्ड देगा, आज तक हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी पार्टी हो जैसे वो जीतने के बाद आपका ये जो उधार है, जो उधार लेके आपने राशन नहीं देगा, कैसे देगा वो लोग? वो लोग अभी बोलेगा हाँ देगा, कल वो बोलेगा कि क्या हम लोग क्या देगा, तुमको माने वोट दिया है, वोट दिया क्या कह रही हैं? আমা কোনো আকু দিয়া নাই বেঙ্গা আটাকে আটাকা তা কোনো হয় গরনা ফুই পাতো দোকান দি বেঙ্গা চলে এসা মানে বল রাই জো মানে কি এ গুঙ্গা আদমি হ্যাঁ সো ইসে মানে কি কোই সরকার তো কোই মানে ইসকো সুবিধা নেই মিল রাই এই দোকানদারি করকে ও মানে কি চল রাই। আচ্ছা, আপ লোক ভি কি ইহি কে রহনে ওয়ালে হ্যাঁ? হ্যাঁ, হম লোক এই কে নেই। আপ নেই ইহা কে নেই হ্যাঁ? আচ্ছা, ঠিক আছে। आप यहाँ की हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम? अमन नाम। नाम? सालेहा। सालेहा, आप क्या क्या करती हैं? हम यूनिवर्सिटी मानूर खरत काम कर, यूनिवर्सिटी में काम करती हैं। थोड़ा हिंदी में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी में जब ये कह रही हैं तो हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं, सामने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, ये कह रही हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में काम करती है। आपका क्या नाम है? मर्जिना बीबी। अच्छा, आप कहाँ काम करती हैं? होटल में। यही होटल में? हाँ। ये जो होटल है, अच्छा, आप इनके होटल में जिनसे हम बात करते हैं उनके होटल में काम। अच्छा, ये बताइए, अरुण आपने कुछ अरुणोदय योजना का नाम सुना है? अरुणोदय योजना की खुशी गांव नाम। सरकार से कुछ पैसा मिलता है? नहीं नहीं नहीं, हमें काम करी खाई आया। आप कह रही हैं कि आप काम करके खाती हैं, सरकार से कुछ मिलता है? नहीं मिला, नहीं नहीं मिलता नहीं। अभी चुनाव है 6 तारीख को, वोट डालेंगी? डालेगा। क्या सोच के वोट डालेंगी? हेमंत तो देगा 2टा और कांग्रेस मारेगा 2टा। अच्छा, ठीक है, चलिए,
भाषा की थोड़ी दिक्कत है, भाषाई दिक्कत है। हम यहाँ असम में हैं, हिंदी प्रदेश नहीं है, यहाँ पे भाषा की ज़्यादातर दिक्कत होती है। लेकिन अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, बातचीत हुई, हम आपको ये बता दें कि हम फिलहाल उस सीट पर हैं जो असम की सबसे हाई प्रोफाइल कुछ एक सीटों में से एक होगी। कुछ एक कहना भी अपने आप को सेफ साइड रखना है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ से 2001 से एक ही व्यक्ति लगातार MLA, और सिर्फ वो MLA कहना भी बड़ा राजनीतिक रूप से इतर विषय होगा, लेकिन ये हिमंत बिस्व शर्मा की सीट है जिन्हें असम में कभी शेडो CM कहा जाता था, आज कभी वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रह के भी ये सीट जीतते थे, BJP में होके भी उन्होंने ये सीट जीती। और बाहर हम असम में लगातार तिनसुकिया से, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये इनके पीछे प्रचार गाड़ी है जिसकी आवाज़ आ रही है, जब हम तिनसुकिया से लगातार असम कवरेज कर रहे हैं, हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग ये कहते हैं कि इस सीट पर उनका कोई मुकाबला है ही नहीं, कांग्रेस का यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, हालांकि कैंडिडेट है यहाँ पर, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बिना प्रचार, और आमतौर पे जो राजनीति की नब्ज समझते हैं वो कहते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा यहाँ से बिना किसी प्रचार के जीतते हैं, उन्हें प्रचार की आवश्यकता भी नहीं, बहुत काम किया। हालांकि हमने बात किया, आप अंदाज़ा लगाइए, और ये हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। जी क्या अच्छा, ये देखिए, ये पूछ कह रही है कि दिन में कितनी बिक्री की, वो दिखा देती हूँ, दिन में कितनी, दिन भर में कितनी बिक्री की आपने? नहीं, 500 थके। ये दिन भर की बिक्री है कितनी है बताइए? व्यापारिक रुखिए से। अच्छा, तो दिन भर में कितनी बिक्री हुई है बताइए? 1000 बिक्री करूँ ताको माल लनते जाए, खाबाई ना पाओ घरत, खाने भर का भी नहीं होता, ऐसा कह रही है। पता नहीं कितना समझ पा रही हैं, लेकिन ये अपना बटुआ खोल के दिखा रही हैं, कह रही हैं कि मेरी दिन भर की बिक्री भी लोगों को दिखा दो। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और उसमें हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है जो वोट देता है, जिसने सरकार चुनी है या नहीं भी चुनी, जिसने लोकतंत्र में विश्वास रखा, वोट दिया। ये वो सीट है, ये हम यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा की बात कर रहे थे, और आप आ गई, आपने बटुआ दिखाया। ये जालुकबाड़ी की सीट के लिए बाहर, अभी हम असम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, लोग इनको भगवान समझते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, वो आपने देखी, आप लगातार चुनाव की अपडेट्स, असम से जो चुनाव की अपडेट्स हैं उनके लिए हमारे इस चुनाव की लल्लन टॉप चुनाव यात्रा के साथ बने रहिए। ये टीम मोती है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, मेरा नाम सुमित है, और कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।